पठानकोट हमले में आतंकियों को लोकल सपोर्ट था, ये बड़ी खबर मिल रही है। आतंकियों ने नशे के इंजेक्शन के ओवरडोज लिए हुए थे। साथ ही टैक्सी ड्राइवर एकाग्र सिंह ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से गाड़ी पेड़ से टकराई थी और फिर आतंकियों ने उसकी हत्या की, इसलिए उन्हें दूसरी गाड़ी की जरूरत पड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पठानकोट आतंकी हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला हुआ था और साथ ही जो आतंकी थे उन्होंने नशे के इंजेक्शन के ओवरडोज तक लिए हुए थे। और टैक्सी ड्राइवर एकाग्र जिसकी लाश मिली थी उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। दरअसल टैक्सी ड्राइवर एकाग्र ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की थी और उसकी वजह से ही गाड़ी पेड़ से टकराई थी और फिर आतंकियों ने उसकी हत्या की, इसीलिए उन्हें दूसरी गाड़ी की जरूरत पड़ी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बात उसी ओर इशारा कर रही है जो शुरुआत से कहा जा रहा था कि लोकल सपोर्ट जरूर मिला था इन आतंकियों को। बिल्कुल, लोकल सपोर्ट की बात आ रही थी कि लोकल सपोर्ट शुरू से ही कि बिना लोकल सपोर्ट के जो ये जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी है वो कैसे पठानकोट एयरबेस तक पहुंच गए। और अब जो जांच से जुड़े जो हमारे सूत्र है, उच्चस्तरीय सूत्र, उनका ये मानना है कि जांच में अभी तक जो जांच पड़ताल की गई है ऑन ग्राउंड जीरो पर, उसमें ये पता चला है कि एक दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है लोकल सपोर्ट वो आतंकियों को मिली, जिससे कि वो पठानकोट एयरबेस के अंदर भीतर घुसने में कामयाब हुए। सबसे बड़ी बात, एकाग्र सिंह जो टैक्सी ड्राइवर था, ये माना जा रहा है जो अभी तक की जांच है उसमें ये पता चला है कि वो आतंकियों को के साथ उसकी लड़ाई हुई। आतंकियों के साथ लड़ाई होने के बाद ये जो अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि उसने आतंकियों को एक तरह से कहा जाए कि उनसे लड़ाई की, वो चाहते थे कि वो उनको आतंकियों को एयरबेस तक जो है ले जाए, लेकिन उसने मना किया। मना करने के बाद ही आतंकियों ने उसकी हत्या की और हत्या तब की गई उसकी, ये माना जा रहा है कि जब ड्राइवर ने उनके साथ लड़ाई की और अपनी गाड़ी जो टैक्सी थी उसकी वो पेड़ से उसको टकराई और उसको नुकसान हुआ, तभी आतंकियों को दूसरी गाड़ी लेनी पड़ी, बदलनी पड़ी। तो ये सबसे बड़ी एकाग्र सिंह का भी क्योंकि रोल जो है वो भी संदेह के घेरे में था कहीं ना कहीं, लेकिन जांच एजेंसियों का अभी तक जो जांच हुई है ऑन ग्राउंड जीरो पर, उससे ये पता चला है कि एकाग्र सिंह ने आतंकियों से लोहा लिया था, उनसे लड़ाई की और इस कारण जो है गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई, नुकसान पहुंचा उसको, क्योंकि उसने खुद ही वो गाड़ी पेड़ से टकरा दी थी और उसके बाद आतंकियों को वहां से गाड़ी बदलनी पड़ी थी। और अभी जो ये कहा जाए कि जो जांच चल रही है उसमें ये भी कई और ये कहा जाए कि फंडिंग को लेकर भी, पैसों को लेकर भी, और दूसरा लोकल सपोर्ट को लेकर जो है इन्वॉल्वमेंट, ये कहा जा रहा है कि दो तीन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आतंकियों को पठानकोट एयरबेस में अंदर तक पहुंचाने में। और एक और बड़ी चीज जो इसमें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आतंकियों को इस बार ये भी मालूम था, उन्होंने सीसीटीवी वाला जो रास्ता था, रूट था, वो नहीं लिया, उसको अवॉइड किया, क्योंकि दीनानगर में ये चीजें सामने आई थी, आतंकियों की तस्वीरें जो है सीसीटीवी में आई थी, और इस बार उसको पूरी तरह से ये कहा जाए कि उस रूट को, उस रास्ते को नजरअंदाज किया गया जहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे। जी, यहाँ पर दिनेश जी आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो पहले भी खबरें सामने आई थी एकाग्र के टेलीफोन को लेकर और उससे जो कॉल्स की गई थी उसको लेकर जो खबरें सामने आई थी कि पहले उसमें पाकिस्तान से फोन आया था और उसके बाद उस नंबर से पाकिस्तान कॉल की गई थी। देखिए, इस पर जांच चल रही है और ये कहा जा रहा है जिस तरह से एकाग्र सिंह का अभी तक का जो रोल, अभी तक जो रोल था वो संदेह के घेरे में था कि क्यों वो वहां पर गया था, कैसे आतंकी जो है, कैसे आतंकियों से उसकी ये कहा जाए कि क्यों आतंकी उसकी गाड़ी को कैसे कहां मिल गई, वो कहां मिली थी। और इसके बारे में भी जो एजेंसियां हैं उन्होंने ये कहा जाए कि कई जानकारी जो है उन के हाथ लग
एजेंसियां इस पर कि उसके वहां पर जाने पे, उस रास्ते में जाने पे क्यों वो वहां पर गया था, इस पर भी एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी है जो कि हम बता नहीं सकते जी जी। लेकिन ये साफ है कि एकागत सिंह जो है वो टैक्सी ड्राइवर वो उस रास्ते पे क्यों गया था, इस बारे में एजेंसियों को मालूमात है, जांच में अभी तक उसका पता चल चुका है। लेकिन एजेंसीज अभी फिलहाल ये कहा जाए कि अभी तक जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात जो आ रही थी, उसके रोल की बात जो आ रही है, उसको अभी जो ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसके आतंकियों के साथ मिले होने की बात को जो है नकार रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एकाग्र सिंह की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो शुरुआत में संदेह था, अभी जो फिलहाल जांच हुई है उसके मुताबिक एकाग्र ने आतंकियों से लोहा लिया था, उनकी मदद करने से इनकार किया था और उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी और गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, यही वजह रही कि आतंकियों को दूसरी गाड़ी ढूंढनी पड़ी।